हाय एवरीवन, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए अर्निंग ऐप के बारे में बताता रहता हूं। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिससे आप, अगर आपके पास किसी भी कंपनी, किसी में एयरटेल है, जियो, वोडाफोन, ऑल इन वन, तो दोस्तों आप वहाँ से फ्री रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और इसमें फ्री रिचार्ज कैसे कर सकते हैं वो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी एप्लीकेशन है जिससे आप अपनी सिम पर फ्री का रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर टैप करके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना होगा। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर टैप करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कि ज्वाइन नाउ, आपको यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ के बटन पर टैप कर देते हैं तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने पेटीएम जो मोबाइल नंबर आपको वही इस पर देने हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एरो के निशान पर टैप करना होगा। जब आप यहाँ पर एरो के निशान पर टैप कर दोगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पर गिव परमिशन के बटन पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर गिव परमिशन के बटन पर टैप कर दोगे तो आपको यहाँ पर अलाउ इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों, उस आपकी जो मोबाइल सिम है या आपने जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किया था साइनअप करते वक्त, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फेसबुक विद फेसबुक कनेक्ट विद फेसबुक या मैनुअली विद फेसबुक, तो आपको यहाँ पर मैनुअली के बटन पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर मैनुअली के बटन पर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पर आपका लास्ट नेम, फिर आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी होगी। जैसे आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पर एरो के निशान पर टैप करना होगा। जब आप यहाँ पर एरो के निशान पर टैप करोगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ओके के बटन पर टैप करना होगा। जब आप यहाँ पर ओके के बटन पर टैप कर दोगे तो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना होगा। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर टैप कर दोगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 1000 जो पॉइंट्स है वो आपको मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स से आप अपने जो मोबाइल सिम पर रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लास्ट गो के बटन पर टैप कर देना होगा। जब आप यहाँ पर लास्ट गो के बटन पर टैप कर दोगे तो दोस्तों, आपकी आपको अपने ईमेल बॉक्स पर जाना है, और आपको कुछ इस प्रकार की एक ईमेल आई होगी। यहाँ पर एक इस लिंक पर आपको टैप करके इस एप्लीकेशन को आपको वेरीफाई कर लेना है। और जब आप यहाँ पर वेरीफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पर 2000 पॉइंट और मिल जाएंगे, आपके टोटल पास हो जाएंगे 3000 पॉइंट, जो आप अपनी सिम पर इजीली रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट, आपकी जो जो साइनअप प्रोसेस है या जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कि बैकअप टू ऐप, आपको यहाँ पर वापस से अपनी उस एप्लीकेशन पर आ जाना होगा। वापस आ जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप इस एप्लीकेशन में पूरी तरह साइनअप कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास अभी 1000 पॉइंट है। तो दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 3000 हो जाएंगे जब आप इस मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे और अपनी जो ईमेल है उसको वेरीफाई पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2000 पॉइंट का यहाँ पर एक बार रिचार्ज कर लिया था, जिसको यहाँ पर मुझे 1 GB पर डे पर मिली थी। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पर नेट का पैक भी करवा सकते हो, या आप अपनी कॉलिंग फ्री या नेट फ्री भी अपनी मोबाइल सिम पर कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्लाइड करना होगा। जब आप यहाँ पर नीचे स्लाइड करोगे तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कि अर्न, आपको यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अर्न के बटन पर टैप करोगे तो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अर्न के बटन पर टैप करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कि डे वन डेंट, आपको दोस्तों ये जो पॉइंट नहीं है ये डेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये आपको डेंट मिलेंगे, यहाँ पर पॉइंट भी कह सकते हो, यहाँ पर इसमें डेंट भी कह सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर डे पर आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर पहली बार अगर इसमें क्लेम कर लेते हो तो आपको यहाँ पर डे मतलब यहाँ से रिवार्ड भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर शो के बटन पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे 100 डेंट है वो मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कि वॉच वीडियो टू क्लेम, आपको यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो दोस्तों, आपके सामने कुछ एक ऐड आएगी, उस ऐड को आपको यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। इस ऐड को यहाँ पर आपको कंप्लीट देखने के बाद इस ऐड को आपको यहाँ पर कट कर देना है।
ऐड कट कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक आ जाना और आपको यहाँ पर ओके के बटन पर टैप कर देना है। जब आप यहाँ पर ओके के बटन पर टैप कर दोगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे अकाउंट में अभी 1100 पॉइंट हो चुके हैं। जो अब दोस्तों अगर मैं कल इस रिवार्ड को फिर से अगर साइन अप कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 200 पॉइंट और मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं डे 3 पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 400 पॉइंट और मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर डेली रिवार्ड आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखते हो कि इन्वाइट ना हो। दोस्तों जब आप अपने किसी भी फ्रेंड को ऐसे इन्वाइट कर लोगे तो आपको यहाँ पर 2000 पॉइंट और मिल जाएंगे, जिसे आप अपने सिम पर मैनुअली रिचार्ज वो फ्री में कर सकते हो। या आप तो दोस्तों यह जो एप्लीकेशन है इसमें जो इनवाइट का प्रोग्राम है बहुत अच्छा दिया गया है। आप जितने ज़्यादा यहाँ से इनवाइट करोगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर वापस चले आना है। जैसे आप यहाँ पर चले आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर आप डेस्क की आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालने हैं, तो मोबाइल नंबर कैसे डालने वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो दोस्तों अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एक बार प्लस का आइकन दबाना होगा, फिर आपको यहाँ पर 91 और फिर आपके जो भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने जो मोबाइल नंबर वो मैं दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है कि सी ऑल पैकेज, आपको यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सी ऑल पैकेज के बटन पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप किसी में अगर किसी भी कंपनी की है, जियो की, एयरटेल की, वोडाफोन की, आपको वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनी वो आपके पास आ जाएगी। और जैसे यहाँ पर वोडाफोन हो गया तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अभी एयरटेल की सिम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल में अगर आपके पास अगर 3700 पॉइंट है तो आप यहाँ पर 150 MB फ्री के ले सकते हो। तो दोस्तों उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास अगर 9120 अगर पॉइंट तो आप यहाँ पर 1 GB ले सकते हो, वो भी अपनी एयरटेल सिम पर। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नेट पैक नहीं चाहिए। अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फिर से इसी ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे आप यहाँ पर फिर से इस ऑप्शन पर जाओगे तो चलो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लस यहाँ पर लगा देता हूँ। एक बार प्लस लगाने के बाद आपको यहाँ पर 91 लिखना है, 91, और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर दे देना है। तो चलो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर वो दे देता हूँ। दोस्तों मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर एरो के बटन पर टैप कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर एरो के बटन पर टैप कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक अगर आपके पास अगर किसी भी सिम है, अगर आपके पास कोई भी सिम है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। मेरे पास अभी एयरटेल इंडिया, तो मैंने एयरटेल इंडिया सिलेक्ट कर रखी है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक 100 रुपये का ऑप्शन नजर आएगा, एक आपको 10 रुपये का ऑप्शन नजर आएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आपके अगर 1800 पॉइंट है अगर आपके पास तो आप यहाँ पर 10 रुपये का रिचार्ज अपनी सिम पर कर सकते हो। और अगर आपके पास अगर 100 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हो, अगर ज़्यादा अगर रिचार्ज करना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करना होगा और आपको यहाँ पर 2000 पॉइंट है वो कमाने होंगे, जिससे आप अपने सिम पर रिचार्ज कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर मैं 10 रुपये का रिचार्ज कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अगर मेरे पास 2000 पॉइंट थे तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये का रिचार्ज था वो कर लिया था। मैं आपको यहाँ पर जो लाइव प्रूफ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपनी जो मैसेज है वहाँ पर मैं आपको दिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है कि एयरटेल डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट फॉर रिचार्ज ऑन एयरटेल। यहाँ पर मेरे जो मोबाइल नंबर वे दे रखे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रुपये का जो रिचार्ज है वो मेरे पास अभी सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ कलेक्ट रिफंड फ्रॉम ट्रेलर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एक जेन्युइन एप्लीकेशन, आप यहाँ से फ्री का रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच गए। तो चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।